अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल EHA असिस्टेंस। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करनी है जो कि स्पेशली ग्रेड 9th और 11th के हवाले से है। ग्रेड 9th और 11th काफी ज्यादा परेशान है कि क्या वो एग्जाम्स में पास होंगे या नहीं होंगे, उनका रिजल्ट कैसा रहेगा, उनके कितने मार्क्स आएंगे, क्या उनको भी 10th और 12th की तरह पास किया जाएगा, अगर मार्क्स अच्छे नहीं आते क्या वो इम्प्रूव कर सकेंगे, क्या वो स्पेशल एग्जाम्स दे सकेंगे। इन तमाम बातों का जवाब आज मैं इस वीडियो में आपको देने जा रही हूँ, इसलिए काइंडली वीडियो को टिल एंड देखिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें AHA असिस्टेंस को। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि जिन सिचुएशंस में आपके एग्जाम्स कंडक्ट हुए, यानी कि COVID-19 की सिचुएशन थी, इस हवाले से मुख्तलिफ डिसीजन सामने आए। सबसे पहले तो डिसीजन लिया गया जिसके बाद आपके सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के पेपर्स हुए। उसके बाद वक्तन बवक्तन डिफरेंट डिसीजन सामने आते रहे, 5% मार्क्स एडिशन और इस तरीके से काफी ज्यादा अपडेट्स आती रही। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ, जिसके बाद होपफुली जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके भी माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है वो तमाम कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं 9th और 11th के स्टूडेंट्स की। जैसे कि आप जानते हैं कि 9th और 11th के स्टूडेंट्स का अभी तक रिजल्ट किसी भी बोर्ड की तरफ से आउट नहीं हुआ और इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। तो वो लोग काफी ज्यादा परेशान है कि कैसी मार्किंग होगी, क्या मार्किंग स्ट्रिक्ट होगी, क्या क्राइटेरिया होगा। तो उस हवाले से मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देती चलूं कि जो अनाउंसमेंट शफकत महमूद साहब की तरफ से की गई है ग्रेड 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, कि जो स्टूडेंट फेल हो रहे होंगे उन्हें 33% मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा, वही अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए भी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप लोगों को फेल कर दिया जाए अगर कोई फेल हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि बात यह है कि COVID-19 की वजह से सप्लीमेंट्री एग्जाम्स कंडक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। स्पेशल एग्जाम जरूर कंडक्ट होंगे लेकिन उनमें से वो स्टूडेंट्स अपेयर होंगे जो या तो खुद से इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, या वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं और इंप्रूव करना चाहते हैं, या वो अपेयर होंगे जिन्होंने ये एग्जाम्स एनुअल एग्जाम्स 2021 मिस किए थे। क्योंकि आप जानते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरफ से ही स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन दी गई थी कि अगर आप चाहें तो आप एग्जाम स्किप कर सकते हैं और फिर राउंड टू एग्जाम दे सकते हैं। तो अब भला ऐसे कैसे हो सकता है कि स्पेशल एग्जाम कंडक्ट ही ना किए जाएं, इस हवाले से स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन मैंने डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर की थी और अब तो खैर इस हवाले से नोटिफिकेशन भी इशू हो चुका है पंजाब बोर्ड की तरफ से भी और फेडरल बोर्ड की तरफ से भी। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं इंप्रूवमेंट के। अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रेड 9th और 11th के स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है पर वो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते, तो क्या वो स्पेशल एग्जाम्स में अपेयर हो सकेंगे, या अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 9th और 11th का एग्जाम मिस किया था तो क्या वो स्पेशल एग्जाम्स में अपेयर हो सकते हैं? तो बिल्कुल जी हाँ, आप लोग हो सकते हैं अपेयर। ये सिर्फ अफवाहें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 9th और 11th को अपेयर होने की इजाजत नहीं होगी या ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी स्टूडेंट चाहेगा, चाहे वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना या उसने स्किप किए हैं और वो पेपर्स देना चाहता है, तो ऑब्वियसली वो एडमिशन भेज के अपेयर हो सकता है स्पेशल एग्जाम्स में, ठीक है। इसके अलावा मजीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं उसका आपको आंसर दूं। इसके अलावा कुछ मीटिंग में मजीद कुछ फैसले किए गए जिनके अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट्स को 5% मार्क्स देने के हवाले से बात की गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, वो मार्क्स अपनी जगह हैं, वो मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अभी आपको पता है जैसे कि अभी रिसेंटली रिजल्ट्स जिन जिन बोर्ड्स का अनाउंस हुआ है 10th और 12th का, काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। तो होपफुली आप लोगों का जिनका रिमेनिंग रह गया है आपका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप लोग इस हवाले से बिल्कुल भी परेशान ना हो क्योंकि वैसे भी जो करके आ चुके हैं वो अनडन तो हो नहीं सकता ना, ठीक है। इसलिए इस हवाले से परेशान ना हो, बस दुआ करें और इंशाल्लाह आप सब लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और कमेंट्स में आमीन जरूर कह दीजिएगा। साथ ही साथ एक बात और मैं आपके साथ शेयर करती चलूं कि अक्सर स्टूडेंट्स इस हवाले से भी परेशान हैं कि ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रिक्ट मार्किंग होगी। तो मार्किंग के ऊपर मैंने इन डिटेल वीडियो एक आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, मैं लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ आई कार्ड में, काइंडली उसको व्यू कर लीजिएगा ताकि मार्किंग से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन हो वो आपकी दूर हो जाए। होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली जल्दी से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।